आप देख सकते हैं ये वो घाट है जो महाभारत कालीन से जुड़ा है, द्रौपदी का घाट। यहीं वो स्नान किया करती थी, यहीं वो पूजा पाठ किया। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। मैं आपका फैजल भी एक न्यू व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज फिर मैं आ चुका हूं बड़ी ऐतिहासिक जगह पे। जो आज मैं आया हूं द्रौपदी के घाट पर आया हूं, जो जिला मेरठ के अंदर हस्तिनापुर जो जगह है वो बड़ी ऐतिहासिक जगह है। तो आज हम इसी को एक्सप्लोर करने आए हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक मेरे इस व्लॉग में बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, फाइनली मैं उस घाट पर आ चुका हूँ जो द्रौपदी का घाट कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं ये वो घाट है जो महाभारत कालीन से जुड़ा है, द्रौपदी का घाट। यहीं वो स्नान किया करती थी, यहीं वो पूजा पाठ किया करती थी। 1 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ वो पूजा किया करती थी। पहले ये कच्चा था, जो नॉर्मल जिस तरीके के घाट हुआ करते थे। यहाँ जो भी स्थानीय लोग हैं या गवर्नमेंट ने अब इसको चारों तरफ से बनवा दिया गया है। यहाँ ग्रिल है, दिखाइए हसन भाई, ये देख सकते हैं आप। यहाँ एक पास में मंदिर है जहाँ द्रौपदी घाट मंदिर है, ये हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे जो घाट देख रहे हैं, यही वो घाट है जहाँ द्रौपदी जी स्नान किया करती थी। स्नान करने के बाद यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक मंदिर है जहाँ वो पूजा किया करती थी, जो शिवलिंग जमीन से उत्पन्न हुआ था वहाँ वो पूजा किया करती थी। यही वो स्नान करने के बाद तपस्या करती थी। यहाँ एक द्रौपदी मंदिर घाट भी है, जो भी हम आपको दिखाएंगे वो सामने है। और यहाँ कुछ चेयर्स हैं, टूरिस्ट आते हैं, जैसे अभी हम एक्सप्लोर कर रहे थे, यहाँ काफी लोग स्काउट्स गाइड की पूरी टीम आ रखी थी, और भी लोग यहाँ आ रहे हैं। संडे में यहाँ लोग ज्यादातर घूमने के लिए आते हैं, आप देख सकते हैं। अब उस मंदिर पे चलते हैं, उस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। ये महाभारत कालीन से जुड़ा इसका इतिहास है, ये लगभग 5000 साल से भी पुराना इसका इतिहास है। आइए अब उस मंदिर की ओर। तो दोस्तों, कुछ देर पहले मैं एक मंदिर का जिक्र कर रहा था, तो वो ये मंदिर है, आप पढ़ भी रहेंगे, द्रौपदी मंदिर घाट। पर्यटन विभाग द्वारा द्रौपदी मंदिर का सौंदर्यकरण कराया गया। कार्यधारी संस्था राजकीय निर्माण निगम इकाई मेरठ। ये जो हस्तिनापुर आता है, ये जिला मेरठ के अंदर आता है। आप देख सकते हैं ये वो मंदिर है जो द्रौपदी मंदिर है, आप देख रहे होंगे। घाट का नाम दिया गया है इस मंदिर को, क्योंकि ये द्रौपदी का घाट है। आप देख सकते हैं ये मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर है, उसमें आप मूर्तियां देख सकते हैं, जो मूर्ति रखी है आप देख सकते हैं। ये कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, जो ये मंदिर के जो मंदिर है इसके बारे में आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ एक पीपल का पेड़ है जो आप देख रहे होंगे, और वहाँ एक छोटा सा शिवलिंग है, और वहाँ एक छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं वो बने हुए हैं। यहाँ लोग अपना प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और जो भी अपने धागे बांधते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो यही इसका कुछ इतिहास है। और ये जो अब इसी की जमीन है जहाँ कुछ अपना आप देख सकते हैं बिल्डिंग सी बनी हुई है, और जो चेयर्स हैं ये इसी की जगह है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा व्यू दिखता है आपको। अभी हम उस जगह से शूट कर रहे थे उसको, और उस जगह से नीचे उतरने के बाद ये कुछ यहाँ ग्रिल लगी हुई है जो हम बता रहे थे आपको, वहाँ से खड़े होकर आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये जगह है। तो दोस्तों, ये जो जगह है, ये जो घाट है, यहाँ गंगा हुआ करती थी। ये सब खादर क्षेत्र में आता है गंगा के, तो उसी का ये घाट हिस्सा है जहाँ द्रौपदी जी अपना स्नान किया करती थी, यही वो जगह है। तो दोस्तों, यहाँ द्रौपदी घाट एक मंदिर बना हुआ है जहाँ लोग आकर पूजा करते हैं, और ये सभी इसकी जगह है, आप देख सकते हैं। तो यही कुछ इसका इतिहास है। अब करते हैं इस व्लॉग को समाप्त। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको वो जो घाट है द्रौपदी स्नान घाट वो आपको दिखाया, और एक छोटा सा मंदिर दिखाया जो द्रौपदी घाट के नाम से जाना जाता है, ये मंदिर वो है आप देख सकते हैं। और ये जो पेड़ है, ये काफी पुराना पेड़ है, इस पेड़ पे लोग अपनी मुरादें मांगते हैं ये कलावा बांध कर। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए
स्टे ट्यून्ड।